प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश समेत छत्तीसगढ़ को लगातार कई विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने प्रदेश में 27 स्टेशनों और 83 नए ब्रिज के लिए करीब 2700 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस योजना में राजनांदगांव और डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया। योजना के तहत डोंगरगढ़ के रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करीब 12,51,00,000 की लागत से किया जाएगा। यही सौगात राजनांदगांव रेलवे स्टेशन को भी दी गई। वहीं कार्यक्रम में मौजूद डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी ने पीएम का आभार व्यक्त किया है। आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों का लोकार्पण एक साथ हुआ है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक साथ 554 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन एक साथ किया गया, जिसमें हमारे डूंगरगढ़ विधानसभा में 2,51,00,000 की सौगात मिली है, जिसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, आभार कर है। हमारे पूरे भारत देश में आज ऐसा स्टेशन और ऐसे नए नए रेल का निर्माण होने जा रहा है, जो हमारे देश को विकास की ओर आगे बढ़ा करके लेके जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि जिस तरह से सुविधाएं एयरपोर्ट में होती हैं, उस तरह से सुविधाएं आज रेलवे स्टेशनों में भी देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले अगर 10 साल के पहले जाएं तो रेलवे स्टेशन का हाल बहुत ख़राब रहता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा और बहुत सुसज्जित ढंग से आज रेलवे स्टेशन में बहुत अच्छे आयामों में काम हो रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरे ज़िले की ओर से कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल, और हमारे राजनांदगांव ज़िले में दो दो स्टेशन हैं और दोनों स्टेशनों पर बहुत अच्छे ढंग से फोकस उन्होंने किया है।